ये उसके, मारेगा तो नहीं, नहीं। ये बड़ा वाला या इनकी भाई अगर उठाओगे है ना इनको, है ना तुम को, ये बड़ा वाला मारेगा तो नहीं इनका बाबा इनकी मम्मा। वेलकम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? ठीक है। आज हमने जो न्यू पीस मंगवाए थे कार्गो, वो हम नहीं खोल सकते क्योंकि ये कपड़े डले हैं, अभी वॉश करके डाले हैं, तो अम्मी से काफ़ी पिटाई होगी। और कि कहाँ पे आप जा रहे हो यार? ये मैं पिजन्स के लिए दाना लेके जा रहा हूँ, वही रोटी के बोरे। तो वो फिर इनको भी दिखाएंगे, और पहले इनको हम ये दिखा देते हैं जो ये मेल है। अभी ये मेरे ख्याल से रेडी नहीं है, मुर्गी काफ़ी बोलती है सुबह सुबह, और अभी भी मैं आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये अंडा देने लगी है। इसने जगह भी बनाई थी पंजों से खोद के खुद ही, लेकिन अभी कोई भी चक्कर नहीं है, और अभी ब्रीड भी निकल चलते हैं दूसरी साइड पे। और आपको एक गुड न्यूज़ भी देनी है, सभी कबूतरों के बच्चे निकल आए थे, लेकिन जो एक कबूतर जोड़े के बच्चे अभी तक नहीं निकले थे उसके भी निकल आए। मुझे लग रहा था कि वो ख़राब हैं, लेकिन वो भी ठीक है। और ये फीमेल जो है हमने अलग की हुई थी, इसे भी मुलाकात कर लें। इस फीमेल को वो दोनों बहुत ज़्यादा मार रहे थे, इसलिए इसको हमने अलग कर दिया था ताकि इसकी ज़्यादा पटाई ना हो। लेकिन ये इसका जो बर्तन है, ये दाना इसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको भी दाना डालते हैं, आराम से खाए। और ये भी बोल रही है अभी, लेकिन ये रेडी नहीं हुई है अंडों के लिए, और जब होगी फिर हम इसको मुर्गे के साथ छोड़ देंगे। और हम इसको उसके उस मुर्गे के साथ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन वो मुर्गा थोड़ा सा ज़्यादा भर है, तो अभी सोच रहे हैं कि इसके साथ ना ही छोड़ा जाए, अभी थोड़ा सा और टाइम ले लें वो। तो ये हमने आगे दरवाज़ा खीलने से ही रखा है, क्योंकि ये जाली टूट गई थी, लेकिन हमने यहाँ पे वायर बांधी थी, लेकिन वो फिर भी डाउट है कि यार बिल्ली तंग ना करे, अंदर चूजे भी निकले हैं इस वजह से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम जो कबूतर हैं उनके बच्चे देखते हैं। अकी दरवाज़ा खोलना, ये अकील अकील ये क्या उठा रहे हो? अच्छा, ये कॉलियाँ रखी थी अंदर। अच्छा अच्छा, ये जो जिनके बच्चे निकले हुए, ये अकील ने उनके अंदर फीड डाल दी थी एक्स्ट्रा, ताकि क्योंकि उनके बच्चे निकले हुए तो वो जो कबूतर है वो अपने बच्चों को आराम से दाना पानी दे दें। और ये जो मैं आपको कह रहा था कि सभी की मैंने वीडियो बनाई थी, जो बच्चे निकल आए थे, लेकिन इसके बार बार अंडे थे, लेकिन ये मुझे आज पता चला, ये मुझे अकील ने बताया नहीं। अकील कह रहा है कि यहाँ पे भी निकले हैं बच्चे माशाल्लाह से, यार मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। शहर पे होना मुझे देखने दो, माशाल्लाह से ये भी बच्चा निकल आया। और कबूतरी बहुत गुस्सा कर रही है यार, तो मैंने पीछे हो गया हूँ कि ये डिस्टर्ब ना हो, लेकिन इसके भी हमने बहुत दफ़ा अंडे चेक किए थे, लेकिन इसमें से भी निकल आया अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी गुस्सा कर रही है, ये भी दो है माशाल्लाह यार, बहुत बहुत प्यार है। एक मिनट मैं आपको, ये भी निकल आया, छोटा बच्चा है बेबी, माशाल्लाह से बहुत क्यूट है यार, बहुत ज़्यादा क्यूट है। और अभी इसकी आइज क्लोज है, बंद है, तो ये कुछ दिनों बाद अपनी आँखें खोलेगा। ये लो बच्चा, अपना ले लो, मुझे मारो। और बाकी जो ये जो कबूतरी है, ये भी मेरे ख्याल से अंडों पे आई हुई है, लेकिन अभी अंडा दिया नहीं है। और बाकी इसके भी निकले हुए बच्चे, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो कबूतर बैठा हुआ और ये बच्चे निकले हैं, सभी के एक जैसे ही साइज़ है, सभी ने एक ही दिन निकाले मेरे ख्याल से। और ये भी निकल रहे हैं साइड को, जो ये भरे हैं, ये पीस भरे हैं, ये मुझे लग रहा है कि ये तीन चार दिन पहले के निकले हुए। और अब चलते हैं भाई, और कबूतरों को करते हैं साइड पे। ये दरवाज़ा है, ये अकील दरवाज़ा खोलना, अकील ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। अकील यार, दरवाज़ा आपने बाहर से बंद कर दिया? अच्छा, ये रोटी दे दो, मैं रख दूँ। ये रोटी अकील लेकर आया इनके लिए, ये जो रोटी के भोड़े होते हैं हमने रखा है, और ये कबूतर काफ़ी शौक से खाएंगे, सभी आ जाएंगे जिन जिनके बच्चे निकले हुए। ये देखें, सभी आ रहे हैं माशाल्लाह से। और अब मैं आपको दूसरे केज के भी बच्चे दिखाता हूँ। इन्हें अंडा दे दिया अकील, यार जिसको हम कबूतर समझते थे वो कबूतरी निकली है, हाँ उसने अंडा दिया। जी अम्मी आ रहा हूँ, अम्मी मुझे आवाज़ दे रही है, अम्मी के बात सुनता हूँ। यार ये क्या बात हुई है यार, ये कबूतर था यार, यकीन करें ये मैं कबूतर समझ के लेकर आया था, लेकिन इस कबूतरी ने अंडा दे दिया यार, ये फीमेल निकल रही है। उसकी हरकतें जो थी वो कबूतरों जैसी थी, ये देख लें, है ना कि यार ये कैसे वो निकल आया यार, ये बोलता भी बहुत ज़्यादा था, तो ये मुझे समझ नहीं आ रही। बाकी ये बच्चे हैं, और ये भी बच्चे निकले हुए माशाल्लाह से। हाँ यार, ये भी है, जो ये भी अकील ने रखी थी फीड, और ये भी मैं निकालता हूँ, क्योंकि इनको हमने रोटी डालनी। और मैं आपको जो अंडे का साइज़ है ये देखें यार, ऐसे लग रहा है जैसे मुर्गी का अंडा है,
देखे इतना बड़ा अंडा दिया है, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई मुर्गी का अंडा है। और वो जो कबूतरी थी अभी जो उठाई थी वो चली गई है, उसके पीछे उसका मेल भी है कि वही जो जोड़ा है ना। हाँ यार मैं हैरान हूँ यार ये क्या हो गया। और आप ही बताइएगा कि वो शक्ल से तो वैसे कबूतर लग रहा था, और दुकानदार ने वो नीचे भी ले रही है। हाँ वो जो अंडा वो अपने नीचे ले रही है खुद ही। ये मैं क्लोज करता हूँ, और वो बैठ भी गई है, बैठ जाएगी वैसे, अभी जो कबूतर है वो भी चला गया, वो कबूतरी आराम से बैठ गई है। और यकीन करें मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि यार अंडे का साइज़ देख के, बाकी कबूतरों ने भी अंडे दिए हैं लेकिन उनके जो साइज़ थे वो नॉर्मल थे, लेकिन इसका सबसे बड़ा साइज़ है अंडे का। और मुझे दो मिनट के लिए लगा था कि शायद अकेले मेरे साथ मजाक करने के लिए ये अंडा रखा है मुर्गी का, क्योंकि ये मुझे कबूतर लग रहा था। और आप कह लें ये मुझे 2-3 हफ्ते हो गए हैं ये फेर रहा था, वो ऐसे बोलता था कि जैसे कबूतर बोलते हैं, लेकिन ये मुझे समझ नहीं है इसकी कि ये कैसे कबूतरी निकला ही है। और ये हमने पिंजरा पैक किया हुआ है इसलिए जो पिंजरे में थोड़ा सा अंधेरा है, लाइट कम है, तो ये देखें क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और जो कबूतर हैं वो फिर उनका फीवर होने के ज़्यादा चांस बन जाते हैं, इसलिए हमने पहले से ही वो जो केज है वो अपना कवर कर लिया। और ये मराल भी ऊपर आ रही है, ये देखें मराल आ जाओ, मराल कहाँ आई हो, आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ। और ये मराल भी आ गई है, अकील मराल को पकड़ो यार, इसको भेजना नहीं, इसको चिंको मिंको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, देख लो यार वो अब आप ऊपर आई है, वो आपसे मिलने के लिए कब से बोल रहे थे। ये न्यू मुर्गी के हैं, वो पुराने चूजे वो नहीं है, वो तो उसके एज में ना जो पुराने, वो न्यू मुर्गी के चूजे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और टाइगर ये मराल आपसे मिलने आई है, देखो यार चली जाओ, उसने जो आपको कुछ भी नहीं कहना, वो आपका फ्रेंड है। मिराल को डर लग रहा है यार, आप ही डर आना यार, मैं खोलता हूँ दरवाजा, आ जाओ टाइगर पीछे हो जाओ। ये राज ये रहे, आ जाओ, ये भी टू ही निकले, देख लिया देख लिया। हाँ मराल आ गया, जो आ गया कि देख लो, पकड़ ले इनको, पकड़ के मराल को डर लग रहा है किसे। और इसका क्या नाम रखे, मैं सोच रहा जो उनका नाम हमने चिंकू मिंकू रखा था ना इन मुर्गी का, इसका हम नाम रखेंगे तारा और सितारा, ठीक है, इसका नाम है आज से तारा और सितारा, ठीक है। और ये भूखे हैं, इनको मैं फीड इनके लिए लेकर आता हूँ, अकील इनके लिए मैं फीड लेकर आता हूँ यार, ठीक है। और ये मुर्गे के पास भी है फीड पड़ी हुई है, तो उसको ज़रूरत नहीं है। और अभी हम जा रहे हैं अपने चिंके मुंकू के लिए और तारा और सितारा के लिए फीड लेने के लिए। मिराल आप ऊपर आई हो, जब मैं आपको कह रहा था कि आप ऊपर आ जाओ तो आप आई नहीं, तो आपको कैसे पता चला कि हम लोग ऊपर हैं। वो तो मैंने आपको भी कहा ना कि जब आप सीढ़ियों से ऊपर आ गई थी तब मैंने कहा आ जाओ, नीचे से कैसे पता चला गया कि हम लोग ऊपर हैं। जैसे आपने पहले मुझे नीचे कहा था आ जाओ मार आ जाओ मार, मम्मी ने कहा था देख लिया वो तो मैंने आपको 10-20 मिनट पहले कहा था। आपको याद ये इमराल भूल गई है, और ये पता नहीं कैसे ऊपर आ गई। और ये भी भूखे हैं, इसको भी मैं फीड डालता हूँ और इनको भी डालता हूँ। और मिराल मुझे आवाज़ दे रही है, मैं मिराल बताओ क्या करना है। कबूतरों के की जाए, उसने कबूतर के बच्चे देखने यार। दरवाज़ा खोल के दे यार, इसको अंदर जाने दे। और की तू भाई खड़ा हुई, ठीक है आ जाओ यार जल्दी। मरा जो लाइट ऑन कर दूँ मोबाइल की। हाँ करो, इधर अंधेरा क्यों है। ये ना अभी ये ठंड है ना भाई, थोड़ी सी ठंड आ रही है ना, इसलिए हाँ मौसम चेंज हो रहा तो हमने सोचा कि ये जो ये चारों तरफ हमने कपड़ा लगा दिए ताकि इनको ठंड ना लगे यार। ये देखो यहाँ पे भी लगाया हुआ है, यहाँ पे भी लगाया हुआ है, यहाँ पे भी लगाया और यहाँ पे भी शॉपर लगाया हुआ है। अब नजर आता है, हाँ यहाँ से आ जाओ नीचे देख के, आ जाओ आ जाओ। उधर आपके पीछे ये है, हाथ में पकड़ के दो, ये कब है, ये देखो इनके, ये भी देखो छोटे छोटे, ये भी निकल आए हैं। हाँ राज जब भी हम वीडियो बनाते थे व्लॉग अपना तो इनके नहीं ना निकलते थे, आज ही निकले देख लो ये मारेगा तो नहीं, ये बड़ा वाला यार इनकी ब्याई अगर उठाओगे है ना इनको
है ना तुम लोगों को, ये बड़ा वाला मारेगा तो नहीं इनका बाबा? ये इनकी मम्मा है मुझे लग रहा है, इनकी इनकी मम्मा है। देखो ये हल्का सा मार दिया लेकिन मैं प्यार से उठा देता हूँ, ठीक है? ये वो दूसरे किधर गए? जो बड़े बड़े थे। हाँ, थोड़े से बड़े। हाँ, वो तो ये बैठे हुए जिनके पर निकल रहे थे। हाँ, ये और जिनके पर निकल रहे थे। हाँ, ये हैं। ये बड़े हो गए। हाँ, देखो ये जिनके पर निकल रहे थे, इन्हीं के निकल रहे थे यार, इनके निकल रहे। हाँ, थे बड़े हो गए। हाँ, ये आप कितने दिनों बाद आई हो? ऊपर बहुत दिनों बाद। हाँ ना, कम से कम 8 से 9 दिनों बाद आई हो या 10 दिनों बाद आई हो। तो 8 से 10 दिनों में जो बच्चे होते हैं, बेबीज होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं इनके। अच्छा, इनके छोटे बच्चे जो इंसानों के होते हैं वो नहीं इतने जल्दी बड़े, कबूतर बड़े हो जाते हैं। दिखाना टॉर्च मार के। हाँ, ये मोबाइल की दूसरा दिखाना, दूसरा भी इसी के साथ छोड़ दो। ये आराम से बैठा हुआ था, फिर बैठ गया यार। हाँ, तो इसको भी मैं उठा के यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है? अब देख लो, दोनों को देख लो, या हाथ में पकड़ के दो। नहीं नहीं, बड़े हो गया, मारेंगे। नहीं, कुछ भी नहीं कहते, नहीं मारेंगे। थी जो मुर्गी है वो मारती है जब नहीं मारेंगे, मुझे पता है ना, उसकी मामा हल्का हल्का सा मार रही थी ना। हाँ, लेकिन वो छोटे थे ना, अब जो इनके मामा पापा है वो तो बाहर आए हुए, अब इनको वहीं पे पकड़ के कर दूं। चलो फिर आपको मैं भाई छोड़ के आ जाता हूँ, साइड पे हो जाएगी, एक मिनट वेट करना यार। एक उसका सारे सन इमरान को डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। जाओ इमरान, चले जाओ आराम आराम से। नहीं नहीं यार, कि ध्यान से खोलना यार। और मैं जो बच्चे हैं बेबीज हैं इनके, इनको वापस इनकी जगह पे कर दूँ यार, ये डिस्टर्ब होंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो कबूतरी ने दोबारा अंडे देने होंगे, तो इसलिए मैंने जगह खाली कर दी है। और अब मैं बाहर चलता हूँ, मैंने सभी क्योंकि मराल जिद कर रही थी कि बच्चे देखने, और जो कबूतर थे वो सभी रोटी खा रहे थे आराम से, हमने उनको डिस्टर्ब किया, इसलिए सबसे मैं सॉरी बोलता हूँ यार। तो ये मराल के कहने पर हम लोग अंदर आए थे, वरना मैं जब रोटी और दाना पानी डाल दूँ फिर मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करता यार। और की दरवाज़ा खोलना यार। और मराल, आपने बच्चे भी देख लिए हैं, सभी देख लिए ना? हाँ, वो खड़े हो गए हैं। हाँ, और जब आप 4 से 5 दिन बाद दोबारा होगी तो दोबारा वो और बड़े हो जाएंगे, और फिर फ्लाइंग करने लग जाएंगे, मतलब उड़ने लग जाएंगे। अच्छा, अभी इनको फिलहाल अभी भी नहीं उड़ना आता? नहीं, अभी तो छोटे हैं ना, फिर जब ये बड़े हो जाएंगे ना फिर इनको उड़ना आ जाएगा। हाँ, और जो मैं मराल आपकी बातों में लग के ना, मैं फीड भूल गया। देखो मैं चूचू के लिए फीड लेकर आया था, उनको मैं फीड डाल दूं यार। टाइगर साइड पर जो यार, मराल ने ना मुझे अपनी बातों में लगा लिया और मुझे भुला ही दिया। ये बेचारी मुर्गी कब से बोल रही है। तो जो साइड पर जो ये चूरू जो ये हमने इनका नाम रखा तारा, सितारा, ये खुद ही खा लेंगे। हाँ, इसको डाल दो या गन्दम डाल दो। ये यकीन वहाँ पे फीड डाल रहा है, जो सिंगल मुर्गी थी उसको मैं फीड डालना भूल गया था, तो वो फीड डाल रहा है वहाँ पे, और इनको मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ क्योंकि शाम हो गई है, तो उससे पहले रात हो जाए तो ये आराम से खा लेंगे। और फीड डाल देता, ये आराम से आ जाएंगे। तो ये पीस भी बड़े हो गए हैं काफ़ी, लेकिन ये दोनों पीस हमारे नहीं थे, ये हमने अंडे मंगवाए थे। ये मैं हर व्लॉग में इसलिए बताता हूँ, जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको पता लग जाए कि यहाँ ऑनलाइन बिल्कुल भी अंडे परचेज नहीं करने। और ये जो टाइगर है ये भी बाज नहीं आता है यहाँ पे आने से, ये बार बार यहाँ पे आता है और इनको डिस्टर्ब करता है। और यहाँ से एक दफ़ा चूजे निकल आए थे और मुर्गी के साथ ही, तो मुर्गी को उसने बहुत ही ज़्यादा मारा था, लेकिन चूजों को कुछ भी नहीं कहा था, तो इसलिए हमने वहाँ पे जो लोहे की शीट लगाई है ताकि ये अब वो जो चूजे हैं वो यहाँ से ना निकले। और अभी हम चलते हैं नीचे, और सभी को हमने फीस डाल दी है, और अब हम हो गए हैं फ्री। और आप भी सब अपना ख्याल रखिएगा, हम मिलेंगे नेक्स्ट अपने व्लॉग में।